तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी रूबी एंड आप देख रहे हैं फनी पाठशाला। सो फाइनली आज हमारा जो मॉक सीट अलॉटमेंट का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड आज हम चेक करेंगे। मेरे पास दो स्टूडेंट का आईडी एंड पासवर्ड है, उनके मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज हम चेक करेंगे। साथ में देखेंगे कि उनको रिजल्ट में क्या आया है एंड देन उसके बाद एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मॉक सीट अलॉटमेंट रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली जो डाउट है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस फाइनली हमने हमारा जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन कर लिया। नाउ वी विल सर्च अबाउट जोसा एंड देखिए हमने ओपन कर लिया जोसा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है एंड देन देखिए यहाँ पे न्यू जो एक कॉलम आ चुका है, न्यू साइट देखिए यहाँ पे लिखा है कि मॉक सीट एलोकेशन राउंड वन का रिजल्ट जो आपने 21 अक्टूबर के रात के 12 बजे तक जो टोटल चॉइस फिलिंग किए थे हर एक बच्चे ने, उस हिसाब से जो किसको कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड देन देखिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन वो हम फिलअप कर देते हैं। तो आफ्टर फिलअपिंग दिस टू पार्ट नाउ वी विल फिलअप द सिक्योरिटी पिन, उसे हम फिलअप कर देते हैं। सो नाउ हम क्लिक करते हैं लॉगिन पे एंड देखिए हमारा जो पोर्टल है ना वो आ चुका है हमारे सामने एंड नाउ ये वो बच्चा है जिसका मैंने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था आप सबके सामने लाइव, वो बच्चा था। सो नाउ हम इसका मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करते हैं एंड देखिए वाओ उसे एक ब्रांच अलॉट हो चुका है। उसने नरी अगरतला का हर एक ब्रांच दिया था, उसे उसका चॉइस का जो फोर्थ नॉन्ग चॉइस है वो मिल चुका है, वो है ईआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल ब्रांच, उसे मिल चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स प्रतीक, अगर वो आप ये वीडियो देख रहा है वो तुम्हें एक ब्रांच मिल गया है। सो कहें मैं साथ में बोलना देना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट, दिस इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, ये चेंज भी हो सकता है एंड ये 70% केस में गलत होता है रिजल्ट, बट इससे आप श्योर हो सकते हो। अगर कोई किसी को सीट मिल रहा है ना तो इतना श्योरिटी रहता है कि हाँ जब जो था कि एक्चुअल राउंड होंगे तब आपको ज़रूर सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। बट जिन बच्चों को सीट नहीं मिलता वो भी एकदम जो है ना होप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको भी सीट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये जस्ट वन काइंड ऑफ प्रेडिक्शन है। तो साथ में हम किसी एक और एक बच्चे का चेक करेंगे, देखते हैं उसे सीट मिला है कि नहीं। सो पहले हम जो इसे लॉग आउट कर लेते हैं सेफ। सब लोग जब ऐसे पोर्टल ओपन करोगे उसके बाद ज़रूर उसे याद से लॉग आउट कर लेना। तो हम यस आई वांट टू लॉग आउट, ओके एंड देन हम फिर से एक नया टैब में जो जोसा है उसे सर्च कर लेते हैं एंड देखिए फिर से मॉक सीट अलॉटमेंट पे हम क्लिक करते हैं एंड जेई मेंस का जो आईडी एंड पासवर्ड है हम उसे फिलअप कर देते हैं। नेक्स्ट जो बच्चा है उसका हमने जो ये एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड एंड जो सिक्योरिटी पिन वो सब कुछ फिलअप कर दिया। नाउ वी विल क्लिक ऑन लॉग इन एंड सी लेट्स चेक सो सीट एलोकेशन। सो या उसे कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। सो इन यहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। सो मेरे तरफ से सजेशन है कि डोंट बी पैनिक, दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट, आपके पास अभी भी बहुत सारे होप है कि आपको सीट मिल ही जाएंगे। मैं इतना श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि आपको सीट मिल ही जाएंगे, बट हाँ आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा ही होप है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है दिस इज़ वन काइंड ऑफ मॉक सीट एलोकेशन, मतलब इसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ प्रेडिक्शन होता है। एंड सी देखिए चॉइस फिलिंग पर अगर हम जाते हैं ना, अब अभी भी अगर आपका कोई चॉइस फिलिंग आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि इसने ये सब फिलअप किया, सो हम अगर कुछ भी चाहते हैं ना, जैसे कि हम ये चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को ऐड कर देते हैं, देन वी कैन ऐड और आइदर यू कैन वांट टू रिमूव, यू कैन रिमूव दिस। सो या अब अभी तक आपका जो चॉइस फिलिंग है इसे फिलअप कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। उस हिसाब से के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो हर एक NITs, जो IIIT, GFTI एंड जो IITs हैं उनके प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे देंगे, साथ में कैटेगरी वाइज जनरल, जनरल EWS, OBC, NCL, साथ में SC ST, उन सब के लिए उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपके पास 25th तक टाइम है। ज़रूर आपका जो चॉइस फिलिंग लिस्ट है उसे एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर काउंसिलिंग। उन वीडियोज़ के लिंक आपको आई बटन मिल जाएंगे, जरूर चेकअप कीजिए एंड साथ ही साथ जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है मॉक सीट एलोकेशन में, सो उनको मतलब डर जाने की कोई भी बात नहीं है, अभी तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, आपके पास अभी तक होप है। सो या हम जरूर आप साथ ही साथ आपका जो मॉक सीट राउंड टू है वो भी आप चेकअप कर सकते हैं, बट हाँ फिर से बोल रही हूँ दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट। सो हाँ इसके बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो जरूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ एंड टिल देन बाय बाय।